वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट थ्री। स्टूडेंट, मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से टाइप वन का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख ले। स्टूडेंट, अभी तक हम मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि टाइम टाइम आपको जैसे मैं नया नया वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इफ थ्री मैन और सिक्स वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। थ्री मैन एक काम को कितने दिन करते हैं? 16 डेज। और सिक्स वुमेन एक काम को कितने दिन करते हैं? तो 16 डेज। ठीक है दोस्तों, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वुमेन, यानी 12 मैन और 8 वुमेन एक साथ टुगेदर, यानी एक साथ मिल के काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आइए सॉल्व करते हैं। थ्री मैन कितने दिन करते हैं? 16 डेज इक्वल टू सिक्स वुमेन इंटू 16 डेज। यहां से हम लोग दोस्तों निकालना है कि मैन और वुमेन एक दिन में कितने यूनिट वर्क करते हैं। तो 16 16 कैंसिल, 3 2 6, यानी एम इज इक्वल टू 2 वुमेन। तो एम बाई डब्ल्यू इक्वल टू 2 बाई 1, यानी एक मैन कितने यूनिट वर्क करेगा एक दिन में? 2 यूनिट वर्क करेगा। और वुमेन कितने यूनिट वर्क करेगी एक दिन में? तो 1 यूनिट वर्क करेगी। और हम लोग पहले इसके बाद हम लोग लिखाने का टोटल, तो टोटल यानी या तो मैन का या तो वुमेन का कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू, तो टोटल हमारा दे देता है। टोटल यूनिट लिखाने के क्या करेंगे, तो हम लोग रख देंगे मैन का 2 यूनिट है, 2 यूनिट यहाँ रख देंगे मैन के जगह पर। तो कितना हो जाएगा? 3 3 और 2, 3 2 या 6 6 और इंटू 16, कितना हो जाएगा यूनिट? टोटल हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 × 2 यूनिट × 16। 2 यूनिट कहाँ से रखें दोस्त? स्टूडेंट, यहाँ एम के वैल्यू हम लोग रख दिए, इक्वल टू 96 यूनिट हो जाएगा टोटल यूनिट। टोटल यूनिट हम 96 यूनिट निकाल लिए। अब हमें क्या लिखाना है? हम लोग को लिखाना है वन डे वर्क लिखाना है, किसका? 12 मैन और 8 वुमेन का। वन डे वर्क लिखाएंगे 12 मैन प्लस 8 वुमेन का। तो 12 × एम का वैल्यू क्या है मेरा? 2 यूनिट 2 लिख दिए, प्लस 8 डब्ल्यू का यूनिट क्या है? 1 यूनिट तो 1 लिख दिए। तो हो जाएगा 24 प्लस 8 इक्वल टू 32 यूनिट। ये क्या लिखना है हम लोग दोस्तों? ये लिखना 12 मैन और 8 वुमेन एक दिन में कितना यूनिट वर्क करते हैं। तो एक दिन का मेरा लिखन क्या है? तो हम निकाल लेंगे एक साथ में कितना वर्क करते हैं, क्या होता है वर्क फिनिश, कितने वर्क फिनिश इक्वल टू टोटल क्या है? 96 डिवाइड बाय एक दिन में ए मैन और वुमेन के 32 यूनिट वर्क करती है, तो इसको हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 डेज। ठीक है, 3 डेज ये ऑप्शन में मेरा हो जाएगा बी। आई स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 6 मैन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 6 मैन एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 20 डेज में। 12 वुमेन एक सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश करते हैं? 20 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मैन एंड 16 वुमेन डू ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क, यानी 8 आदमी और 16 औरतें मिलके इससे दुगना काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग पहले वन डे में कितना यूनिट मैन वर्क करता है और एक दिन में कितना यूनिट वुमेन वर्क करती है हम लोग लिखा लेते हैं। तो 6 मैन × 20 डेज में वर्क फिनिश कर रहा है इक्वल टू 12 वुमेन × 20। 20 20 कैंसिल, 6 2 12, यानी एम बाई डब्ल्यू इक्वल टू 2 बाई 1, यानी एक दिन में मैन कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 2 यूनिट। और वुमेन कितना यूनिट वर्क कर रही है? 1 यूनिट। तो टोटल हम लोग वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या करते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन में या तो मैन का या तो वुमेन का वैल्यू पुट करते हैं, तो टोटल वर्क हम यहाँ लिखा जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं 6 × एम, एम कितना है मेरा? 2 यूनिट 2 × कितना हो गया? 20।
हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 240 यूनिट्स। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब हम निकाल लेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क में यानी 8 मैन प्लस 16 वुमेन, एक दिन में कितना मैन और वुमेन मिलके वर्क करती है, कितना यूनिट? तो हो जाएगा 8 इंटू मैन का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, प्लस 16 इंटू वुमेन का कितना यूनिट है, 1 यूनिट, इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 32 यूनिट। यानी 8 मैन और 16 वुमेन मिलके एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगी, 32 यूनिट वर्क करेगी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये लोग दोनों एक दिन में जब इतना यूनिट हुआ करती तो कितना टोटल 240 यूनिट में कितना दिन वर्क करेगी, तो हो जाएगा वर्क फिनिश हो जाएगा। वर्क फिनिश का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फिनिश बाय टोटल डिवाइड बाय वन डे वर्क से हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 240 यूनिट। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टूडेंट दिया है क्या है, ट्वाइस वर्क यानी दुगुना काम को करना है। तो अगर ट्वाइस हो गया यानी दुगना काम करना है, तो यहाँ तो इसमें सिर्फ सिंगल काम था, तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, आया हो ये ट्वाइस हो गया यानी दुगना काम हो गया। और एक दिन का इतना है 32, इसको कैंसिल कर देंगे 16, और ये 15 बार में चल गया, यानी इक्वल टू 15 डेज। ये ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। आई स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, एक औरत एक काम को 30 दिन में करती है, और एक लड़का एक काम को 60 दिन में करती है। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। यानी बॉय मैन और वुमेन यानी तीनों एक साथ मिलके एक काम को 2 डेज में करती है, तो फिर उसमें नंबर ऑफ बॉयज हमें लिखाना है। नंबर ऑफ बॉयज हमें नहीं दिया, क्या दिया हमें, 2 मैन दिया और 8 वुमेन दिया है, और हमें नंबर ऑफ बॉयज नहीं दिया है। तीनों मिलके कितने दिन में वर्क फिनिश कर रहे हैं, 2 डेज में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो किए थे उसमें क्या दिया रहता था, मैन और वुमेन देता था, या मैन और बॉय देता था। इसमें क्या दे रहा है, मैन वुमेन एंड बॉय तीनों दे रहा है। तो 1 मैन है तो 1 मैन इंटू कितने दिन में, 20 डेज इक्वल टू 1 वुमेन कितने दिन में, 30 डेज में इक्वल टू 1 बॉय कितने दिन में, 60 डेज में। इसको कैंसिल कर देंगे, जितने कैंसिल हो गए कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा उसको हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, यहाँ क्या बचा मेरे पास, 3 बचा, यहाँ क्या 6 बचा, इसके क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम। 2, 3 और 6 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एलसीएम से अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। इसे क्या लिखना, मेरा मैन वुमेन और बॉय इक्वल टू 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स। यानी एक मैन एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट, एक वुमेन एक दिन में कितना यूनिट वर्क करती है, 2 यूनिट, और एक बॉय एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, तीनों में से किसी का भी वैल्यू यानी एम या वुमेन या बॉय किसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लोग टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी 1 मैन इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, 1 मैन इंटू 20 इक्वल टू 1 इंटू एम का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 60 यूनिट आ गया। ये टोटल मेरा लिखा गया है, कितना यूनिट टोटल वर्क हमने लिखा गया, 60 यूनिट। अब हम लोग 1 डे लिखा लेते हैं, और नंबर ऑफ बॉय 1 डे में क्या है, नंबर ऑफ बॉय तो हमको नहीं दिया, तो नंबर ऑफ बॉय को क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे।
ठीक है, तो बॉय हमें नहीं मालूम, तो एक्स बी लिख देते हैं, नंबर ऑफ बॉय प्लस मैन कितना दिया, टू मैन प्लस एट वुमेन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या लिखाना है हम लोग, एक दिन का हम लोग क्या लिखाना है, बॉय मैन और वुमेन का एक दिन कितना यूनिट हुआ करता है। तो बॉय का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे पास, वन है, यानी एक्स प्लस मैन कितना दिया हुआ है, थ्री है, तो थ्री इंटू टू कितना हो गया, सिक्स प्लस, और वुमेन कितना हो जाएगा, वुमेन का टू है, यानी एट टू जा सिक्सटी, टोटल हो गया एक्स प्लस 22 यूनिट। ये तीनों मिल के एक दिन में इतना यूनिट वर्क करती है, तो फिनिश वर्क कितना हो जाएगा, फिनिश वर्क इक्वल टू कितना होगा, टोटल 60, ठीक है, 60 इंटू डिवाइड बाय फिनिश वर्क एक्स प्लस 22। फिनिश वर्क मेरा दिया हुआ है कितना, टू डेज, यहाँ फिनिश वर्क टू डेज दे चुका है, तो यहाँ टू लिख दिए, इक्वल टू 60 बाई एक्स प्लस 22, कैंसिल कर देंगे 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स प्लस 22 इक्वल टू 30, और एक्स इक्वल टू 30 में 22 घटाएंगे, यानी 8 बॉयज आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो गया, ये ए नंबर, यानी 8 लड़का। अगर इसी तरह मेरा क्वेश्चन में अगर मैन पूछता तो मैन निकाल लेते हैं, वुमेन पूछता तो वुमेन निकाल लेते हैं, कोई भी अगर जब वन डे वर्क का यूनिट निकालने थे, यानी एक दिन में कितना मैन वुमेन और बॉय एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रही थी, कोई भी अगर क्वेश्चन से पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। मैन एक मैन एक औरत एक बॉय तीनों मिल के टुगेदर, यानी मिलके, यानी तीनों मिलके एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। तो इफ ए मैन ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, एक आदमी अकेला काम को 6 दिन में करता है, और एक ए बॉय अलोन इन 18 डेज, यानी एक लड़का एक काम को 18 डेज में करता है। हाउ लॉन्ग विल ए वुमेन अलोन टेक टू द कंप्लीट द वर्क, यानी एक औरत इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए पहले हम दिखाने थे एक मैन ये टुगेदर वाला केस को, वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय, ये तीनों मिलके एक काम को खत्म कर रहे हैं 3 डेज में, इक्वल टू वन मैन इंटू 6 डेज। यहां से हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन लिखाने हैं, यानी क्या कि हम लोग टोटल वर्क तो बराबर है, तो ये पूरा टोटल एक दिन का वर्क, ये टोटल वर्क हो गया, यहाँ पर भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर वन मैन वन वुमेन और वन बॉय कितने दिन खत्म कर रहे थे काम को, फिनिश कर रहे थे, तो 3 डेज में 3 इंटू कर दिए, और एक मैन कितने दिन खत्म कर रहा था, तो वन मैन इंटू 6 डेज। यहाँ पर बॉय भी दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है कि मैन के जगह पर हम लोग बॉय भी ले सकते थे, दोनों में से कोई भी एक रख देंगे तो इक्वेशन में आ जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, अब क्या रख दे रखा था यहाँ पर, देखिए वन मैन इंटू कितने दिन में वर्क फिनिश कर रहा था, 6 डेज, और वन बॉय इंटू 80 डेज में खत्म कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग मैन और बॉय का एक दिन का वर्क का यूनिट हम निकाल लेंगे, 6 3 जा, यानी मैन बॉय इक्वल टू 3 बाई 1, यानी एक आदमी एक दिन कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3 यूनिट, और एक लड़का 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से मैन का तो यूनिट हमें मिल गया एक दिन का, और बॉय का मिल गया, वुमेन का तो नहीं मालूम था, तो वुमेन का अगर नहीं मालूम था, देखिए यहाँ पर मैन वुमेन और बॉय है, ठीक है, इसमें मैन और बॉय का अगर वैल्यू हम पुट कर देते तो वुमेन का मेरा यूनिट मिल जाएगा, एक दिन में कितना यूनिट वर्क करती है। तो इसमें इक्वेशन पुट कर देते हैं, एम का वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे, 3 प्लस वुमेन का वैल्यू कितना नहीं मालूम है हमें, तो हम लोग वुमेन लिख दिए, प्लस 1 बी, यानी बॉय कितना यूनिट है, 1 हो गया, ठीक है, इंटू 3 इक्वल टू 6, 1 एम है यानी क्या हो गया, 3,
यानी एम की जगह वैल्यू रख देंगे 3 × 6, यहाँ से 3 इधर कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 3 + 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 + W = 6, यानी W = 6 − 4 = 2 यूनिट। ये क्या लिखना मेरा, ये एक दिन में एक औरत कितने यूनिट वर्क करती है, तो 2 यूनिट एक दिन में करती है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं फिनिश वर्क क्या होता है। मेरे पास फिनिश वर्क का हम फॉर्मूला दिए थे, फिनिश वर्क T/1 day, ठीक है। तो फिनिश वर्क है, टोटल हम लोग वर्क लिखा दिए हैं, टोटल वर्क लिखा देंगे, पहले टोटल वर्क लिखाएंगे। टोटल वर्क इस पर क्या हो जाएगा, किसी का वैल्यू इसमें ना पुट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 यहां 5 लिए पुट कर दिए, 1m × 6, ठीक है। तो 1m में अगर 3 का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6, यानी 80 यूनिट्स। ये 80 यूनिट क्या है मेरा, टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया मेरा 80 यूनिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फिनिश वर्क। तो फिनिश वर्क इस पर टोटल वर्क आ गया मेरे पास 18 यूनिट। और क्या पूछा था मेरा कि वुमेन, एक वुमेन कितने दिन, मतलब कितने दिन में वर्क को ये फिनिश करेगी। तो एक वुमेन कितने दिन में वर्क करती है, एक दिन में कितना यूनिट वर्क करती है, 2 यूनिट। तो एक दिन यानी 1 डे वर्क आ गया मेरा वुमेन का 2 यूनिट, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी आ जाएगा 9 डेज, ऑप्शन नंबर ए। हाईएस्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। If 4 men or 6 women can do a piece of work in 12 days, working 7 hours a day. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या दिया, मैन वुमेन वर्क देता था और डे देता था, इसमें क्या दे दिया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इसमें आवर दे दिया है, यानी 4 आदमी एक काम को 7 घंटा, एक दिन में 7 घंटा काम करते हैं, तो वर्क फिनिश कितना होता है 12 डेज में। सेम वर्क को अगर 6 औरतें एक दिन में 7 घंटे काम करती है तो काम कितना फिनिश हो रहा है 12 डेज में, ठीक है। पूछ क्या रहा क्वेश्चन से, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस एज लॉन्ग लार्ज विथ 10 men and 3 women वर्किंग टुगेदर 8 hours a day, 10 men or 3 women, यानी 10 आदमी और 3 औरतें एक दिन में 8 घंटा वर्क करती हैं, तो ये पूरे टोटल इसका दुगना वर्क, टोटल वर्क का क्या है ट्वाइस है, यानी दुगना वर्क करती हैं, तो कितने दिन में ये वर्क फिनिश होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। 4 men into कितने डेज में, 12 डेज में, और यहां पर देखिए आवर भी दिया था 7 आवर, तो अब इसमें क्या करेंगे लोग 7 आवर भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर 6 women into 12 डेज में, इसमें आवर है 7 आवर 7 लिख दिए, इसमें जब भी आवर रहेगा तो क्या, पहले हम लोग लिखते थे मैन और डे लिखते थे, अब क्या है कि आवर रहेगा तो आवर भी हम लोग लिखेंगे, 7 7 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 2 2 = 4 2 3 = 6, यानी मैन और वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 3 यूनिट, और एक औरत कितने यूनिट वर्क कर रही है 2 यूनिट्स। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू में पुट कर देते टोटल वर्क निकल जाता है, तो ले लेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देते हैं 6 × W का वैल्यू क्या है 2 है, × 12 × 7, टोटल कितना आ जाएगा मेरा वर्क, टोटल आ जाएगा मेरा वर्क आ जाएगा 6 × 12 × 7। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या है टाइम अधिक लगेगा, इसलिए जस्ट करता हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे 1 day work, 1 day work यानी 10
10 आदमी और 3 औरतें अगर 8 घंटा करती है वर्क, तो एक दिन में कितना वर्क यूनिट वर्क करेगी? तो यहाँ पे लिखाने 10 मैन प्लस 3 वुमेन, कितना घंटा वर्क कर रही है? तो 8 आवर इंटू 8 इक्वल टू एम, और यानी मैन और वुमेन का क्या हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 इंटू एम का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वुमेन का वैल्यू हो जाएगा 2 यूनिट इंटू में 8, ये आ जाएगा 30 प्लस 6 इंटू 8। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 36 इंटू 8। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल होगा, इसलिए इसको हम लोग टाइम नहीं गवाएंगे मल्टीप्लाई करके। और फिनिश वर्क लिखाना है हम लोग को, ये क्या है मेरा, ये 10 आदमी और 3 औरतें मिलके एक दिन में इतना यूनिट वर्क कर रही है, ये आ गया मेरा। और फिनिश वर्क क्या हो जाता है, टोटल बाय वन डे वर्क से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो फिनिश वर्क हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, इतना है 12 इंटू 7। यहाँ पे और एक देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस वर्क दे दिया, यानी पहले जितना काम होता था उसका दुगना काम था, ट्वाइस वर्क दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 36 इंटू 8, इसको काट देंगे, 12 तीन बार में 36, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 2 कैंसिल, यानी कितना आया मेरे पास 7, 7 डेज। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद मैं चलूंगा वर्क ऑन टाइम का पार्ट 4 में, जिसमें क्या है, इफिशियंसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। थैंक्स।